सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड गार्ड जी में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रीमैरिज एंड डिजायर कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या सारी चीज़ें इस ड्रामे के अंदर आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सारी चीज़ें कवर करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना, इस चैनल पहली दफा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो अगर बात की ड्रामे की बेसिक्स के बारे में, तो ड्रामे को 7 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें टोटल 8 एपिसोड देखने मिलते हैं और 1 घंटे की 1 एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज मिलेगी क्योंकि बारिश हो रही है जबरदस्त, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। अगर बात की जाए ड्रामे में स्टोरी की, तो इसमें स्टोरी देखने को मिलता है एक लेडी जिसका नाम होता है सियंग। सियंग का जो हस्बैंड होता है एक दिन वो सुसाइड कर लेता है, और एक्चुअली में एक सुसाइड है या फिर मर्डर है आपको ड्रामे के अंदर ही पता चलेगा, और उसने क्यों सुसाइड की और की भी, तो ये सारी चीजें आपको इस ड्रामे के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन जो सियंग के जो हस्बैंड होते हैं वो नोट्स छोड़ के गए होते हैं, जिसके वजह से मतलब उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि उसने जो सुसाइड करी वो एक लेडी के वजह से की है। अब एक दिन एक्सीडेंटली वो एक मैच मेकिंग कंपनी का मतलब मेंबर बन जाती है जिसका नाम होता है रेक्स। रेक्स जो कंपनी होता है वो मतलब जो शादीशुदा लोग होते हैं उसकी दोबारा शादी कराती है, या फिर जो डिवोर्सड लोग होते हैं उसकी दोबारा शादी कराती है। जब एक दिन सीएम वहां पर जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात उस लेडी से होती है जिसके वजह से उसके हस्बैंड ने सुसाइड करी थी। सीएम किस तरह से उस कंपनी की मदद से अपने डिजायर को पूरा करती है, अपने जो हस्बैंड के मर्डर का रिवेंज लेती है, सारी चीजें जानने के लिए आपको इस टाइम को एंड तक देखना पड़ता है। ओके, तो अब अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में, तो ड्रामे की जो डबिंग है बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ तो इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त है, और इसकी जो सिनेमेटोग्राफी वो भी जबरदस्त है, और ये जो मतलब ड्रामा इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल यूनिक है, जिसकी वजह से ये ड्रामा आपको पसंद आएगी। मगर ड्रामे का जो फर्स्ट हाफ है आपको उतना ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं लगता, ड्रामे का जो सेकेंड हाफ है ना वो भाई साहब जबरदस्त है। सो अगर आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे एक यूनिक रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे तो ड्रामे के अंदर कुछ खास नहीं, लेकिन अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ड्रामा आपको कनेक्ट करके रखती है, और जिस तरह से ड्रामे की जो स्टोरी है वो प्रेजेंट की गई है वो भी आपको कनेक्ट करके रखती है। जिस तरह से इसमें मिस्ट्री दिखाई गई, जिस तरह से जो एक यूनिक रोमांस दिखाया गया है, ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करके रखती है। सो अगर मुझसे आप पूछो कि ये ड्रामा आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो हाँ मैं कहूंगा कि एक बार इस ड्रामे को आपको जरूर देखना चाहिए, बिकॉज ड्रामे की जो स्टोरी है ना बहुत ही जबरदस्त है। सो इसलिए आपको इस ड्रामे को एक बार जरूर देखना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब भी नई वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो मैं मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।